हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सबल स्टाफ हिमाचल। सबल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित मिड्डा और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। आप सबको पता है कि एचपीए करंट अफेयर्स को देखते हुए पिछले एक साल की करंट अफेयर सीरीज, दैट इज द करंट अफेयर्स बूस्टर सीरीज, हमने स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम डेली थीम वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज को कवर किया था, अपॉइंटमेंट्स को कवर किया था, और आज जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा अवार्ड्स। तो आज हम अवार्ड्स को कवर करेंगे। ये क्लास जो है आपके एचपीएस प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। कोई भी डाउट या सवाल आपके मन में आएगा आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कुछ भी सवाल अगर आपके मन में आता है यू कैन आस्क। एक बार क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए और मुझे ये भी कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है, देन हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हो सकता है आज टेक्स्ट आपको छोटा दिखने को मिल रहा हो, बट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा तो आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, सब कुछ ओके मिल जाएगा क्योंकि आज मैं पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आज का जो हमारा न्यूज है दैट इज ऑफ अवार्ड्स पार्ट। अवार्ड्स पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला न्यूज जो है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव की। वो यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है थोड़ा सा ध्यान समझेगा। हाँ जी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। देखिए, गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग है जो कि यहाँ पर गोपाल रत्न अवार्ड देती है, या फिर हमारे पास अदर मिनिस्ट्रीज है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, कोई भी हमारा मिनिस्ट्री है जो डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है जो कि काफी अवार्ड देता है, तो ये मिनिस्ट्रीज के सारे अवार्ड के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बना देना, दैट इज द राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को बनाने के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। सरकार कहती है कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है इसको भारत देश में हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके चलते हुए होम मिनिस्ट्री जो है इसको, इस पोर्टल को मैनेज करने का काम जो है करेगी, सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करेगी। क्लियर? सो इस वेबसाइट का, इस पोर्टल का नाम होगा www.awards.gov.in। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले न्यूज को देखते हैं, अगले अवार्ड को देखते हैं। अगला अवार्ड यहां पर आता है, हाँ जी, द नेक्स्ट अवार्ड इज लैपिजिक बुक प्राइज ऑफ 2023। अब ये प्राइज जो है ये दिया गया एक रशियन राइटर को, रशियन पोएट को, जिनका नाम है मारिया स्टेपनोवा। मारिया स्टेपनोवा को ये पुरस्कार दिया गया है। दैट इज द अवार्ड फॉर द लैपिजिक बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग्स इन 2023। इस किताब का, सॉरी, इस अवार्ड का पूरा नाम है, दैट इज द लैपिजिक बुक प्राइज फॉर द यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023। अब देखो, बेसिकली ये जो रशियन राइटर है मारिया स्टेपनोवा, इनका एक सीरीज चल रहा है बुक का, नॉवेल्स का, एक पोएट्री का एक पूरा सीरीज चल रहा है जिसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड अगर मैं अवार्ड की बात करता हूँ तो दिस इज एन यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक प्राइज देते, और ये जो प्राइज है ये 1994 से हर साल जो है दिया जाता है। क्लियर? 1994 से हर साल ये प्राइज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा और समझने की जरूरत नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर अक्सर सवाल देखा भी जाता है, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। आप सबको पता होना चाहिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी होता है, कब होता है, 3 मई को होता है, 3 मई को होता है, 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसी के चलते हुए ये अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो 3 वुमेन जर्नलिस्ट को इस बार ये पुरस्कार मिलता है, एंड ऑल 3 फ्रॉम द ईरान। ईरान की 3 महिला जर्नलिस्ट को ये पुरस्कार दिया गया 2023 के अंदर, एंड दिस इज निलूफार हमेडी, इलाहे मोहम्मदी और नारगिस मोहम्मदी, इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया। इनकी अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए, किस तरह से ईरान के ऊपर, आप सबको पता है कि ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसके तहत भी यहाँ पर ईरान जो एफर्ट्स कर रहा है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो की है, अपनी रिपोर्टिंग की, तो इसी के चलते हुए यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 के लिए दिया जाता है। दैट इज टू दीज 3 फीमेल्स। और आपको पता होना चाहिए ये प्राइज जो है ये यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी रचना नवंबर 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है ऑड्रे अजौले,
और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस पुरस्कार को हम गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी बोलते हैं, इसको ये भी बोला जाता है। चलिए समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी सवाल या डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, तो देख लेते हैं। हाँ जी ओके ओके ऑडिबल विजिबल यस सॉरी। हाँ जी थैंक यू समिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूं तो ये मिलता है खालिद जावेद साहब को। खालिद जावेद साहब की एक किताब आती है द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड, इस किताब को ये दिया जाता है ये अवार्ड। देखिए ये किताब जो है पहले उर्दू भाषा में लिखी गई है, उर्दू भाषा में इस किताब को लिखा है खालिद जावेद ने, और खालिद जावेद की उर्दू भाषा में लिखी गई इस किताब को पैराडाइज ऑफ फूड अवार्ड मिलता है। सॉरी पैराडाइज ऑफ फूड किताब का नाम है, इसको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है। ये जो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर है ना, ये इंग्लिश भाषा की एक लिखी हुई किताब में मिलता है। तो आप जानते हैं कि उर्दू में लिखी इस किताब को ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी भाषा में, और ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति है इनका नाम है बरान फरूकी, बरवान फरूकी, बरान फरूकी। तो बरान फरूकी जी ने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, इन्होंने बेसिकली उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और ये किताब खालिद जावेद की लिखी हुई, इस किताब का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड, द पैराडाइज ऑफ फूड, एंड इसको मिलता है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। चलिए द नेक्स्ट इज द कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, सॉरी द नेक्स्ट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिलता है अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट के लिए पुरस्कार। अब ये अवार्ड जो है अटल पेंशन योजना के लिए ये पुरस्कार दिया गया पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए अटल पेंशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, पीएफआरडीए को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएफआरडीए की जब मैं बात करता हूँ, दैट इज अ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखिए 1999 में ना इंडिया में एक प्रोग्राम आया था, 1999 में, दैट इज ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, दैट इज ओएसिस प्रोग्राम 1999 में आता है इंडिया में पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए। और इसी के तहत 2004 में इंटरिम तौर पर, टेम्पररी तौर पर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया जाता है, और 2013 में भारत सरकार इसके लिए एक एक्ट पास करती है जिसके तहत ये एक स्टेटरी बॉडी बनता है, और 2014 में ये इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंडिया में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या है, इंडिया में पेंशन सिस्टम को मैनेज करना, और उसके बाद केंद्र सरकार की एक स्कीम आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की अगर मैं बात करता हूँ, 9 मई 2015 को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कलकत्ता गए हुए थे, तो कलकत्ता में जाकर मोदी जी ने स्कीम को लॉन्च किया था, दैट इज अटल पेंशन योजना। ये एक पेंशन स्कीम है दैट इज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, जिसके चलते हुए कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे को सिक्योर करता है। बुढ़ापे को सिक्योर कैसे करता है कि आपको एक पैसा देना पड़ता है, कैसे, आप कितना पेंशन चाहते हैं किसके बाद, अपनी 60 साल की उम्र के बाद। तो ऑप्शन यहाँ पर रहता है 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ये 5 ऑप्शन रहते हैं। आप इनमें से एक पेंशन अमाउंट चूज करोगे कि आपको 60 साल की आयु के बाद ये पेंशन अमाउंट चाहिए, तो आप यहाँ पर एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है, जिस एज में आप स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम। तो बेसिकली ये जो स्कीम है 18 से 40 साल तक के व्यक्ति ही ओपन करवा सकते हैं, 40 साल से ऊपर वाला कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट नहीं ले सकता, ये बात भी ध्यान रखना, क्लियर। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक पेंशन स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। आगे बढ़ते हैं, 2022 का यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए एशिया पैसिफिक के पुरस्कार जो कि यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। और इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम जो है यहाँ पर, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है ये यहाँ पर हमारे पास विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल्स में बना हुआ है। देखिए व्हाट इज दिस, दिस द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल्स, ये आर्किटेक्चर का एक टाइप है, दिस इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपने बॉम्बे में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस शेप में बने हुए, जैसे बॉम्बे का इरोस सिनेमा, बहुत सारे ऐसे और मॉन्यूमेंट्स हैं जो इस शेप में बने हुए हैं, तो वैसा ही एक मॉन्यूमेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम जो कि इसी शेप में बना हुआ है, इसी आर्किटेक्ट के धारे बना हुआ है, तो उसको यहाँ पर मिलता है इस यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। इसके साथ साथ
13 प्रोजेक्ट दुनिया भर के 6 देशों में से रिकॉग्नाइज किए गए हैं, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान, नेपाल, थाईलैंड में से, और कौन किस किस को कहां कहां अवार्ड मिलता है। तो सबसे पहले अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की बात करता हूं, तो जैसे कि बताया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई का, उसके बाद अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करेंगे स्टेपवेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद इंडिया में, जॉर्ज कनत ईरान में, नीलसन हेज लाइब्रेरी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं अवार्ड ऑफ मेरिट की बात करेंगे, अवार्ड ऑफ मेरिट में हमारे पास आ जाता है टॉप दारा स्तूपा अफगानिस्तान में है, नानतियन बुद्धिस्ट टेम्पल चाइना में, डोमाकोंडा फोर्ट इंडिया में, बाइकुला स्टेशन मुंबई में, उसके बाद सादोहुगी हाउस ईरान में, द 25 चिवास इन काठमांडू नेपाल, उसके बाद स्पेशल रिकॉग्निशन पुरस्कार दिए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसी कैटेगरी के अंदर, एंड दैट इज द वेस्ट गुजाओ लीलोंग नेबरहुड शंघाई चाइना को मिलता है, अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कंटेक्स्ट, ठीक है, एंड दैट इज M30 इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पावर सप्लाई एंड वेस्ट कलेक्शन चाइना, एंड दिस इज द शियो ब्लॉक चाइना। सो ये यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बातें, ये जो कितने भी आपको अवार्ड बताएंगे ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज गोविंद स्वरूप पुरस्कार, गोविंद स्वरूप पुरस्कार मिलता है प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को, प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को एक प्रोफेसर ये अवार्ड दिया जाता है। प्रोफेसर जयंत नार्लिकर जो है ये यहाँ पर द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के फाउंडर डायरेक्टर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है, दैट इज बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर है और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये पुरस्कार बनाया गया है, दैट इज द गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर, चलिए तो एक सिंपल सर्फ आपको इतने ही ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज द नटरंजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन जी को मिलता है, एन चंद्रशेखरन जी टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है, इनको मिलता है चेवेलियर डे ली ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार, ठीक है, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट का नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया जाता है, और ये पुरस्कार मिलता है 2023 में किसको, नटरंजन चंद्रशेखरन को, नटरंजन चंद्रशेखरन को। अब देखो लीजन ऑफ द ऑनर, जैसे हमारे पास पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, उसी तरह से फ्रांस के अंदर लीजन ऑफ द ऑनर की सीरीज होती है, तो लीजन ऑफ द ऑनर्स में यहाँ पर बेसिकली ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड ऑफिसर, कमांडर ऑफिसर, नाइट, इस तरह से पुरस्कार दिए जाते हैं और आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसने 2 पुरस्कारों को बंद कर दिया है। अब ये 2 पुरस्कार कौन कौन से है, पहला पुरस्कार है शिक्षा पुरस्कार, पहला पुरस्कार कौन सा है, इसका नाम है शिक्षा पुरस्कार। शिक्षा पुरस्कार 1992 में शुरू किया गया था, हिंदी भाषा में लिखने वाले राइटर्स को ये पुरस्कार दिया जाता था, क्लियर, 1,00,000 रुपए का पुरस्कार मिलता था शिक्षा पुरस्कार, तो इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है इसको भी बंद कर दिया गया है, ये भी हिंदी राइटर्स को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में, तो यहाँ पर 50,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता था, इस पुरस्कार को भी बंद कर दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देखिए बुकर प्राइज ना ये यूके में दिया जाता है, हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम में ये पुरस्कार दिया जाता है, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक होता है बुकर प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो हम पढ़ने वाले हैं ये 2023 का रहने वाला है, और बुकर प्राइज जो हम पढ़ने वाले हैं ये 2022 का रहने वाला है, क्योंकि 2023 का बुकर प्राइज अभी दिया नहीं गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए बुकर प्राइज जो मिलता है ये किसी ऐसे राइटर को मिलता है जिसकी कोई फेमस किताब, ठीक है, एक फेमस किताब के लिए मिलता है, वो किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी हो, आयरलैंड या यूके में पब्लिश की गई हो। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस किताब के लिए मिलता है, ये ऐसी बुक के लिए मिलता है जो पहले किसी और भाषा में लिखी गई हो और बाद में उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी भाषा में करके यूके में पब्लिश किया गया हो, इस तरह की किताब के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 में मिलता है जॉर्जी गैस्पोडिनोव की किताब टाइम शेल्टर के लिए, और ये टाइम शेल्टर जो है इसको ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडल। अब देखो होता क्या है, जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये 2 लोगों के बीच में शेयर होता है, पुरस्कार एक ही मिलता है बट 2 लोग शेयर करते हैं, शेयर कौन करते हैं, आधा आधा शेयर होता है किसके बीच में,
राइटर और ट्रांसलेटर के बीच में, राइटर और ट्रांसलेटर के बीच में। सो राइटर जो है इस किताब के टाइम शेल्टर नॉवल के, दैट इज द जॉर्जी गैस्पोडिनोव, एंड द ट्रांसलेटर इज एंजेला रोडल, एंजेला रोडल। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज द बुकर प्राइज ऑफ 2022, ये मिलता है किताब द सेवन मून्स ऑफ द माली अलमाइदा, द सेवन मून्स ऑफ द माली अलमाइदा, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। एंड दिस इज द श्रीलंकन राइटर शेहान करुण तालिका, शेहान करुणा तालिका, करुणा तिलाका, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। शेहान करुणा तिलाका को पुरस्कार दिया जाता है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली दूसरे श्रीलंकन हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया, और पहले बुल्जारियन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। चलिए द नेक्स्ट इज डी ए जी, डैक, और डैक के साथ साथ दैट इज हेमर, हेम मार्क जॉल्ड प्राइज, हेम मार्क जॉल्ड मेडल। सो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के लिए, इनको दिया गया डैग हेम मैक जॉर्ज मेडल, इनको ये अवार्ड दिया गया। क्लियर। एंड दैट इज द अवार्ड इन्होंने रिसीव किया है इंडिया के। देखो ये पुरस्कार ना, ये जो मेडल है ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के लिए मिलता है, जो हमारी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस करते हैं, और इंडिया के, इंडिया तीसरे नंबर पे है जिसके 6,000 जवान जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पर काम करते हैं, और हमारे दो जवानों को ये पुरस्कार दिया गया था। एंड दैट इज हेड कॉन्स्टेबल शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम मिश्नोई, इन दोनों के बिहाफ पे ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। दैट इज रुचिरा कम्बोज, रुचिरा कम्बोज, इनका नाम है रुचिरा कम्बोज, जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। क्लियर। चलिए, एंड ये अवार्ड जो है डैग हेमक्सोड की याद में शुरू किया गया, कि यूकी जो कि यूनाइटेड नेशन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला करंट अफेयर अवार्ड सीरीज क्या कहती है, ऑलिव क्राउन अवार्ड्स, ऑलिव क्राउन अवार्ड्स, ऑलिव क्राउन अवार्ड्स जो मुंबई में हर साल दिए जाते हैं, और इस अवार्ड को देता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। ये टोटल 17 कैटेगरी में दिए जाते हैं, बट मैं आपको सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट वाले बताने वाला हूँ। सबसे पहले पीएन मोहन जी को पुरस्कार मिलता है ग्रीन क्रुसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड की सीरीज में, ठीक है, जो कि इन्होंने 7 लेक्स जो हैं चेन्नई के आसपास इनको रिस्टोर किया। उसके बाद किर्लोस्कर लिमिटलेस को भी पुरस्कार मिलता है, दैट इज कॉर्पोरेट क्रुसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्योंकि इन्होंने अ मिनट फॉर द नेचर के लिए वर्क किया। एंड द चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड पीपल फॉर एनिमल्स वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर को पुरस्कार दिया जाता है ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर कैटेगरी में, ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैट्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स में इंटरनेशनल प्राइज जो है वो दिया जाता है, और इस बार जो ये पुरस्कार मिलता है ये मिलता है कलमपुड़ी राधाकृष्णा राव, यानी कि सी आर राव जी को, सी आर राव जी को। सी आर राव जी एक इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिकियन है जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू, और हम इसको बोलते हैं द नोबल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, इसको हम नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्लियर। सो ये पुरस्कार इनको दिया गया है, दैट इज इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, सी आर राव जी को, सी आर राव जी को। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2016 में करी गई थी। क्लियर। एंड 5 स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस पुरस्कार को स्टार्ट किया था और चलाती है, दैट इज अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल बायोमेट्रिक सोसाइटी, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। और ये अवार्ड 2 साल में एक बार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द बाई एनुअल इवेंट, 2 साल में एक बार इस अवार्ड को दिया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज मालकॉम अधिशेषय पुरस्कार, मालकॉम अधिशेषय पुरस्कार 2023 का, ये मिलता है एक बहुत ही फेमस भारतीय इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक जी को, उत्साह पटनायक जी को यह पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि उत्साह पटनायक जी ने सोशल साइंटिस्ट की फील्ड में अच्छे लेवल पे वर्क किया, जिसके चलते हुए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2000 में की जाती है, और हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है किसी सोशल साइंटिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को यह पुरस्कार दिया जाता है, मालकॉम अधिशेषय पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज नेशनल पंचायत अवार्ड्स, नेशनल पंचायत पुरस्कार। तो नेशनल पंचायत पुरस्कार यहां पर दिए जाते हैं,
17 से 21 अप्रैल तक यहाँ पर ये पुरस्कार देगा। आप सबको पता है कि 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी के चलते हुए यहाँ पर नेशनल पंचायती राज अवीक अवार्ड का वीक जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर? सो बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब नेशनल पंचायत अवार्ड जो है वो किस किस कैटेगरी में जाता है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की कैटेगरी में, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की कैटेगरी में, ग्राम स्वराज, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, इन इन कैटेगरीज में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है दोस्तों, दिया जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू द अवार्ड। उसके बाद दीपिका मिश्रा जो कि विंग कमांडर है, इनको ये पुरस्कार दिया गया और ये पहली इंडियन एयरफोर्स की वुमेन ऑफिसर बनती है गैलेंट्री अवार्ड को रिसीव करने वाली, द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड, दैट इज दीपिका मिश्रा। इनको क्या दिया गया? इनको वायुसेना मेडल दिया गया, इनको वायुसेना मेडल से नवाजा गया। क्लियर? क्योंकि ये दीपिका मिश्रा जी जब मध्य प्रदेश में फ्लड्स आए थे, तो मध्य प्रदेश में फ्लड्स आते हुए इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस में अच्छे लेवल पे काम किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो अवार्ड है दैट इज द पेन नेबोकॉव अवार्ड। तो पेन नेबोकॉव अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है और ये अवार्ड जो है दिया गया इस बार द हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी को। हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी को यह पुरस्कार मिलता है अपनी इंटरनेशनल लिटरेचर की अचीवमेंट्स के लिए। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है और इनकी पूरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए पुरस्कार इनको दिया जा रहा है, दैट इज विनोद कुमार शुक्ला। चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल के लिए, अगला करंट अफेयर्स के लिए। अगला करंट अफेयर क्या कहता है दोस्तों? अगला करंट अफेयर कहता है पोर्टर प्राइज ऑफ 2023। देखिए आप सबको पता है कि COVID-19 आया और इंडिया ने COVID-19 से निपटने के लिए अच्छे लेवल पे काम किया और इसी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पुरस्कार मिलता है भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री को, आशा वर्कर्स के रोल्स के लिए पुरस्कार दिया गया, दैट इज पोर्टर प्राइज। हाँ जी, एक बार मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आशा का फुल फॉर्म भी लिख के बता दो जल्दी जल्दी, देखते हैं किस किस को पता है। आशा वर्कर्स, ये हमारे समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी देखिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर, द आशा वर्कर्स, आशा की फुल फॉर्म बतानी है आपको। हाँ जी, एनीवन? चलिए, सो दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स। चलिए द नेक्स्ट इज सर डेविड चिपरसफील्ड। हाँ जी, इनको मिलता है सर डेविड चिपरसफील्ड, सिलेक्टेड एज द 2023 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। सो 2023 का आर्किटेक्चर प्राइज जो है ये मिलता है सर डेविड चिपरसफील्ड को। सर डेविड चिपरसफील्ड को ये पुरस्कार दिया जाता है, दैट इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ, अगला करंट अफेयर स्टूडेंट्स देख लेते हैं, दैट इज नॉर्वे का सक एरोव फ्रीडम अवार्ड। तो नॉर्वे में बेसिकली हम बात करते हैं तो एक पुरस्कार दिया जाता है सक एरोव फ्रीडम अवार्ड। तो इस बार यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, उसमें जो भी वॉर क्राइम्स होते हैं उसके चलते हुए ये नॉर्वे के सैकरोव को बेसिकली ये नॉर्वे का सैकरोव फ्रीडम प्राइज जो है, ठीक है, ये दिया जाता है। ये किसको मिलता है? ये मिलता है ट्रुथ हॉन्ट्स जो कि यूक्रेन का एक राइट ग्रुप है, इसको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए द नेक्स्ट इज स्वच्छता विंस अवार्ड में बात करता हूं तो महिलाएं जो है ये आगे रही और इनको ये पुरस्कार दिया गया, द वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पहला अध्याय जो है ये स्वच्छता विंस अवार्ड का अनाउंस कर दिया। चलिए द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आप सबको पता है कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये 23 जनवरी की जब मैं बात करता हूं तो 23 जनवरी, हाँ जी, ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर हम दो पुरस्कार देते हैं, दैट इज द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार दो कैटेगरी में मिलता है, एक तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में, और इस बार सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में ही दिया गया, बट दो अवार्ड मिलेंगे
पहला अवार्ड दिया गया ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ओडिशा की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद मिजोरम के एक फायर स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया, दैट इज लुंगलाई फायर स्टेशन। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं द नाटू नाटू विंस द ऑस्कर। देखिए हमारे पास एक मूवी आती है, दैट इज द साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम था ट्रिपल आर। तो ये ट्रिपल आर मूवी का एक गाना था नाटू नाटू, इसको मिलता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार को हम अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। तो इस बार जब 95th अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे 2023 में, तो यहाँ पर ट्रिपल आर मूवी के गाने नाटू नाटू को मिलता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार। इस गाने को लिखा है चंद्रा बोस ने एंड म्यूजिक जो है MM कीरावानी जी, एंड परफॉर्म किया गया है दैट इज बाय कला भैरव एंड राहुल सिपलीगंज। राहुल सिपलीगंज यानी कि इन्होंने गाया है, कीरावानी साहब ने कंपोज किया है और लिखा है चंद्रा बोस ने, चंद्रा बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्यास सम्मान। व्यास सम्मान देखिए हमारे पास दो सम्मान आते हैं, दो अवार्ड होते हैं, एक आता है व्यास सम्मान, एक आता है सरस्वती सम्मान। तो दोनों ही पुरस्कार जो है ये दिए जाते हैं KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अब सबसे पहले मैं सरस्वती सम्मान की बात करना चाहूंगा। हमारे पास भारतीय संविधान का 8वां स्केड्यूल जो होता है, उस 8वें स्केड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने वाले लेखक को हर साल पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान दिया गया 2022 के लिए यहाँ पर एक तमिल लेखक को जिसका नाम है शिवा संकारी। शिवा संकारी जी को यह मिलता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर, किसके लिए, इनकी किताब, उस किताब का नाम क्या है, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम। इस किताब के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, सूर्यवंशम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, दैट इज सरस्वती सम्मान। और उसी तरह से हमारे पास व्यास सम्मान होता है, बट व्यास सम्मान मिलता है हिंदी भाषा में लिखने वाले लेखक को। ये 22 में से किसी भी भाषा में लिखने वाले लेखक को मिलता है, दैट इज सरस्वती सम्मान। और हिंदी भाषा में लिखने वाले लेखक को जो पुरस्कार मिलता है वो मिलता है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान मिलता है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी किताब पागलखाना के लिए, पागलखाना के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखिएगा, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अवार्ड की बात करेंगे। अगला अवार्ड क्या है, हाँ जी चलिए, द नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कलर्स टू द INS द्रोणाचार्य। हाँ जी देखिए, प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार जो है ये हमारे जो वॉरशिप्स होते हैं या फिर जो भी हमारे हथियार होते हैं उनको दिया जाता है। क्लियर, सो बेसिकली मिलिट्री यूनिट्स के तौर पर ये पुरस्कार दिया जाता है, दैट इज। तो ये पुरस्कार दिया गया INS द्रोणाचार्य को, इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य को ये पुरस्कार दिया गया उसकी एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए, एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए। इस पुरस्कार को हम निशान पुरस्कार भी कहते हैं। क्लियर, निशान पुरस्कार भी कहते हैं INS द्रोणाचार्य। हाँ जी, द नेक्स्ट इज कला निधि पुरस्कार। कला निधि पुरस्कार जो है ये मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा अनाउंस किए गए। क्लियर, एंड इसको हम संगीत कला निधि एंड नृत्य कला निधि अवार्ड के नाम पर जानते हैं, क्योंकि ये नृत्य की फील्ड में भी और संगीत की फील्ड में भी दोनों कैटेगरीज में दिया जाता है। संगीत कला निधि अवार्ड की बात करता हूं तो बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री एक फेमस कार्नेटिक वोकलिस्ट है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्लियर, संगीत कला निधि पुरस्कार इनको दिया गया। और उसके बाद नृत्य कला निधि पुरस्कार की बात करता हूं तो यह दिया गया वसंथा लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, नरसिम्हाचारी को पुरस्कार दिया गया है, दैट इज ऑफ द नृत्य कला निधि, नृत्य कला निधि। क्लियर, चलिए, सो दिस इज द कला निधि अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट एबल प्राइज। एबल प्राइज मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, सो एबल प्राइज जो है इसको हम बोल देते हैं नोबेल प्राइज फॉर द मैथमेटिक्स। क्लियर, सो एबल प्राइज जो है ये बेसिकली दिया गया है इस बार अर्जेंटीने अमेरिकन लुइस कैफरेली को, लुइस कैफरेली को यह पुरस्कार दिया गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेगुलेटरी रेगुलरिटी थ्योरी फॉर द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। क्लियर, सो दैट इज एबल प्राइज, दैट इज एबल प्राइज। चलिए द नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट इज द ग्रैमीज 2023। रिकी केज बेंगलुरु बेस्ड कंपोजर, इनको मिलता है तीसरा ग्रैमी पुरस्कार, तीसरा ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने अपना जीता है। क्लियर, रिकी केज जी को ग्रैमी दिया गया
फॉर द बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम फॉर इट्स मोस्ट रिसेंट एल्बम द डिवाइन टाइट्स के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके चलते हुए ये इकलौते भारतीय आते हैं जिन्होंने तीन ग्रैमी अवार्ड जीत लिए हैं। ठीक है, पहला ग्रैमी इन्हें 2015 में मिलता है, ठीक है, विंड्स ऑफ समसरा के लिए, ठीक है, उसके बाद 2022 में इनको मिलता है सेकंड ग्रैमी अवार्ड और अभी इनको तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया, ग्रैमी अवार्ड दिया गया। क्लियर? अब ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये 4 अवार्ड्स है, ठीक है, दैट इज एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ये सारा कुछ ध्यान रखेगा। क्लियर? चलिए द नेक्स्ट इज राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023। ये किसको मिलता है? ये मिलता है एबीके प्रसाद को, द फेमस जर्नलिस्ट एबीके प्रसाद को मिलता है द राजा राम मोहन राय अवार्ड ऑफ 2023। राजा राम मोहन राय जी के नाम पर ये पुरस्कार दिया गया। वीडियो लैग कर रही है, बाकी सबको भी लैग हो रहा है, प्लीज बता दीजिए एक बार, तब हम चेक कर लेते हैं टेक्निकल से। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए, वीडियो लैग हो रही है। चलिए स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म नाउ, अभी भी हो रहा है? अभी क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड यहां पर दिया गया है, उसके बाद फोर्सेस को, फोर्सेस की बात करते हैं। जैसे अभी हमने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पढ़ा था, ठीक है, INS द्रोणाचार्य को दिया गया, उसी तरह से हमारे पास प्रेसिडेंट कलर अवार्ड आता है जो हमारी फोर्सेस को दिया जाता है। फोर्सेस की बात करें तो हरियाणा पुलिस को दिया गया यह पुरस्कार, हरियाणा पुलिस को करनाल में यह पुरस्कार दिया गया, द करनाल का हरियाणा पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है उसको यह पुरस्कार दिया गया, बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चलिए द नेक्स्ट इज प्रतिष्ठा पुरस्कार, प्रतिष्ठा पुरस्कार मिलता है कर्नाटका बैंक को, कर्नाटका बैंक को दिया गया डिजिटल अवार्ड की कैटेगरी में। इन्होंने बेस्ट वर्क किया है UPI को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसके चलते हुए कर्नाटका बैंक को मिलता है प्रतिष्ठा पुरस्कार, प्रतिष्ठा पुरस्कार। द नेक्स्ट इज संसद रत्न अवार्ड, संसद रत्न अवार्ड जो है वो 13 MPs को यहाँ पर दिया गया है, क्लियर, एंड 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज को पुरस्कार दिया गया, और इसके चलते हुए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। संसद रत्न अवार्ड हमारे पार्लियामेंट्रियंस को दिए जाते हैं, हमारे MPs को यह पुरस्कार दिया जाता है, संसद रत्न पुरस्कार। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड आता है जो कि ढाका में दिया गया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को यह पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? दैट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। द नेक्स्ट इज द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट HCA, ये दिया गया है RRR मूवी को, तो SS राजामौली साहब की RRR मूवी इनको मिलता है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का बेस्ट फिल्म का अवार्ड इनको मिलता है। द नेक्स्ट इज उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार ये अभी दिया गया, तो इसके लिए जो भी आर्टिस्ट थे यहाँ पर वो आते हैं, दैट इज द जॉयदीप मुखर्जी फॉर सुरसिंगार, उसके बाद उपालपू नागमानी इनको मिलता है कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंटल ऑन द मैंडोलिन, उसके बाद वी दुर्गा देवी जी दैट इज करकटम, दैट इज द एशियन डांस फॉर्म, उसके बाद संग्राम सिंह सुहास भंडारे इनको मिलता है वरकारी कीर्तन का पुरस्कार, साइकोम सुरचंद्रा सिंह को मिलता है यहाँ पर पुंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पुरस्कार, और पूरन सिंह जो कि एक दिव्यांग आर्टिस्ट है इनको पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? सो उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। चलिए द नेक्स्ट इज मार्कोनी प्राइज, द नेक्स्ट इज मार्कोनी प्राइज, मार्कोनी प्राइज मिलता है हरि बालाकृष्णन जी को, हरि बालाकृष्णन जी को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? सो मार्कोनी प्राइज जो है बेसिकली ये नेटवर्किंग की फील्ड में दिया जाता है, नेटवर्किंग की फील्ड में मिलता है मार्कोनी प्राइज, मार्कोनी प्राइज। चलिए द नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये एक बाई एनुअल इवेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अपनी सरकार के वक्त एक अवार्ड की शुरुआत करी थी, दैट इज प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान उन लोगों के लिए होता है जो बेसिकली हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है विदेशों में जाकर बसा हुआ है, भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में बसे हुए हैं उनके लिए पुरस्कार हमने अनाउंस किया था और एक दिन की शुरुआत करी थी प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लॉ प्रैक्टिस करके भारत लौटे थे,
इसलिए हमने 9 जनवरी का दिन चूज किया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े तो 2015 तक तो ये एनुअल इवेंट था, 2015 में मोदी सरकार ने इसको बाई एनुअल इवेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अभी 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था तो 24 में नहीं होगा, 25 में होगा। क्लियर? बिकॉज दिस इज अ बाई एनुअल इवेंट, दो साल में एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी के चलते हुए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है, इंडियन डायस्पोरा को प्रमोट करने के लिए लोगों को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर? सो किस किस को पुरस्कार मिला, कुछ अवार्ड के लिए जान लेते हैं, कुछ अवार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि गुआना देश के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली ये चीफ गेस्ट भी थे, इनको पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद दर्शन सिंह धालीवाल जी, दर्शन सिंह धालीवाल को पुरस्कार दिया गया, ये यूएस बेस्ड एक बिजनेसमैन है। उसके बाद पीयूष गुप्ता जी को पुरस्कार दिया गया, पीयूष गुप्ता जी डीएसबी ग्रुप के सीईओ। उसके बाद अमित कैलाश चंद्रलत को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद राजेश सुब्रमण्यम जी को यह पुरस्कार दिया गया, फेडेक्स कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। उसके बाद छेनुपति जगदीश को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद कनम अम्बलम को यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? रीना विनोद पुष्करणा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। सो दीज आर सम अवार्ड्स अंडर द प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ऑफ 2023। चलिए उसके बाद असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है। देखो असम, केरला, इन सब ने अपने पद्मा अवार्ड्स के जैसे अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए हैं। जैसे पद्मा अवार्ड्स होते हैं वैसे भी इन्होंने भी अपने अवार्ड्स को अनाउंस किया हुआ है, और उसी तरह से हमारे पास है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज असम सौरभ। उसको क्या बोलते हैं? असम सौरभ इसको बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज असम गौरव इसको बोलते हैं। एंड द टॉप वन इज असम वैभव इसको बोलते हैं। असम वैभव की अगर मैं बात करता हूँ, क्लियर, तो ये इस बार मिलता है डॉक्टर तपन साइका जी को। डॉक्टर तपन साइकिया जी को यह पुरस्कार मिलता है, दैट इज असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार इनको दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद असम सौरभ की बात करता हूं तो ये पुरस्कार इस बार मिलता है कृष्णा रॉय, गिल बेटसांगमा, डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया एंड डॉक्टर शशिधर फुकन, इन सबको ये पुरस्कार मिलता है। और उसके बाद आता है असम गौरव, तो असम गौरव जो मिलता है, मिलता है देवाजीत बर्मन, रुस्तम बासु मातरी, मांझे ला, बिनांदा हाथी बरुआ, अतुल बरुआ एंड बेसिकली काफी सारे पर्सन है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने पर्सन को लेकर सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको। सो आप इतना ही ध्यान में रखें, सो सफिशियंट रहेगा। उसके बाद भारत सरकार ने जब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस था, जिसको हम पराक्रम दिवस बोलते हैं, पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 आइलैंड्स का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया। सो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, परमवीर चक्र विजेता जो है, परमवीर चक्र जो है ये सावित्री खानोलकर ने डिजाइन किया था परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर 21 आइलैंड्स का नाम बदल के रखा गया है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हर साल राष्ट्रपति जो है वो जनवरी महीने में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को भी अनाउंस करते हैं, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 11 बच्चों को दिया गया, 11 बच्चों को दिया गया। क्लियर? उसके बाद पद्मा अवार्ड्स के विनर्स को भी अनाउंस कर दिया गया रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। ये पद्मा अवार्ड्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये काफी सारे पुरस्कार है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि काफी सारे अवार्ड्स हमने कर लिए हैं, लगभग 41 अवार्ड्स पढ़े हैं और आपको याद भी करने हैं, तो इसलिए आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। हम अवार्ड्स को और अच्छे तरीके से करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इनको खत्म करेंगे और अगला टॉपिक भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।